हाय, जैसे कि ये वाले सर ने बोला है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आपके भी काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जितने भी मॉक हमने आपको प्रोवाइड करें उसमें आपके कितने टेस्ट आ रहे हैं, जितने भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं सब्जेक्ट वाइज उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या सर अभी भी 17 तारीख को ये पेपर होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूँ 100% 17 तारीख को होगा। और आप में से कई लोगों ने यह भी पूछा था कि पिछले वाले वीडियो को मैंने डिलीट क्यों कर दिया था और दोबारा क्यों अपलोड करा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अनऑफिशियल थी और वो मैं, जाहिर सी बात है जबकि ऑफिशियल नहीं है, अंदर के लोग मुझे बता रहे हैं तो मैं आपको कैसे बता सकता हूं। लेकिन आज वही करूंगा एक स्टोरी के थ्रू, और जो लोग भी समझदार हैं वो इस स्टोरी को समझ जाएंगे। देखिए एक स्टोरी आपको सुनाता हूं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मजा आएगा सुनने में। दो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम होता था चुन्नू और एक का नाम होता था बज्जू। ठीक है, दो दोस्त थे, एक का नाम था चुन्नू एक का नाम था बज्जू। ठीक है, तो हुआ ये कि चुन्नू ने कहा कि मैं एक मैच कराऊंगा और उस मैच में कई सारे लोग क्रिकेट खेलने आएंगे और इस मैच को जो है मैं जल्द से जल्द करवा लूंगा जनवरी के महीने में 2023 में। लेकिन इनके एक फूफा जी हुआ करते थे, उनका नाम था सुरेश। क्या नाम था उनका? नाम सुरेश। तो इन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई इस मैच में दो लोग, जो दो टीमें आपकी खेल रही हैं उसमें एक टीम तो हो गई आपकी बीडी वाली और एक टीम हो गई आपकी बीटी वाली, तो हम बीडी वाली टीम को इसमें नहीं खेलने देंगे। सुरेश फूफा जी ने ऐसा बोला इनको। ठीक है, तो इसके चलते जो है चुन्नू ने बोला कि भैया देखो बीडी वालों ने भी बोल दिया था कि हम खेलेंगे, इसके चलते ये जो मैच होना था ये आगे चल के आपको पता ही है कैसे हो गया, ये मैच मार्च में होने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है हुआ क्या कि मार्च में एक बार फिर से मौका मिला और जो बीटी टीम वाले थे उसमें ज़्यादा लोगों को आने का मौका मिला कि और भी लोग आके क्रिकेट खेल सकते हैं मार्च में होने वाला। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई, जो इनका भाई था बज्जू के साथ दिक्कत ये हो गई कि बज्जू जिस शहर में रहता था उस शहर में कई सारी जो क्रिकेट बॉल्स हैं वो लीक होने लग रही थी, बार बार क्रिकेट बॉल लीक हो रही थी और इससे बज्जू की बहुत बदनामी हो रही थी। बज्जू को लग रहा था कि यार बार बार क्रिकेट बॉल लीक हो रही हैं और क्रिकेट बॉल के खो जाने से बज्जू की काफ़ी बदनामी हो रही थी। अच्छा, चक्कर यह है कि मार्च में तो ये कह रहा था चुन्नू, कह रहा था कि हम जो है इस मैच को करा लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि मार्च और अप्रैल में बज्जू के थे एग्जाम और एक तरफ बज्जू की बॉल्स लीक हो रही थी, तो बज्जू नहीं चाहता था इस एग्जाम में वो फेल हो जाए। तो बज्जू ने कहा चुन्नू से कि भाई ऐसा कर, तू मेरा भाई है, तू इस एग्जाम को जो है मई में करा लेना मेरे एग्जाम होने के बाद। लेकिन चुन्नू ने कहा नहीं यार देखो मैं अब मुझे जरूरत है कुछ लोगों की, मैं चाहता हूँ ये क्रिकेट मैच हो और क्रिकेट मैच अपने टाइम पे हो जाना चाहिए। इसलिए ये जो चुन्नू है ये इस बात पे अड़ा है कि भाई 17 तारीख को जो है मैं इस मैच को खिलवा दूंगा, जो भी हमारी टीम है बीटी वालों को 17 मार्च को मैं इस क्रिकेट मैच को पूरा करवा लूंगा। लेकिन जो हमारा बज्जू भैया है वो अभी भी जो है चाहता है कि कुछ तो हो जाए, हालांकि यहाँ पे जो फूफा जी थे वो तो चले गए अपना काम करके, तो फूफा जी का तो कोई रोल बचा नहीं। लेकिन ये जो बज्जू है इनका भाई, ये चाहता है कि मई में ये मैच हो। अब देखने वाली बात होगी क्या चुन्नू इस मैच को 17 मार्च को कराएगा या फिर बज्जू इस मैच को अपने एग्जाम्स जो कि उसके मार्च और अप्रैल में है इस एग्जाम के होने के बाद कराने देगा, तो यही सबसे बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन इसमें जो बीटी टीम वाले हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं इस क्रिकेट मैच की और इसकी हम अच्छी तैयारी करा रहे हैं। आपको बता दूं अगर आपको भी ये क्रिकेट मैच में वर्ल्ड कप जीतना है और अपनी लाइफ को सेट करना है तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बहुत आसानी से बहुत ही आराम से हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को। उम्मीद करते हैं कहानी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अब देखो एक काम की बात कर लेते हैं, ये जो आपका पेपर है चंडीगढ़ टीजीटी का, सोशल साइंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सोशल साइंस की। ठीक है, सोशल साइंस की हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे वीडियो क्लास के साथ और मॉक टेस्ट और सारे प्रैक्टिस पेपर और थ्योरी और नोट्स के साथ। तो जिसको भी तैयारी करनी है वो हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल मत करिएगा, हम दिए गए नंबर पे आपका कॉल नहीं उठा पाएंगे। और अगर आपको टीजीटी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के पेपर 1 के नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोस और क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।